हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एंड इन न्यू ब्लॉग। तो भाई आज जो खुशी आप लोग को देखने को मिल रही है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज का व्लॉग ही बहुत ज़्यादा स्पेशल होना है, क्योंकि मेरे चश्मे की डंडी टूट गई है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो भाई बैकग्राउंड देख के क्या लग रहा है आप लोग को? बैकग्राउंड इधर का दिखाओ भाई, रोड दिखाओ भाई, रोड देखो आप लोग पहले भाई, क्या रोड है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो आज हम लोग कहाँ आए। तो गाइस आज हम लोग भाई कानपुर एयरपोर्ट, जो कि नया बना हुआ है और भाई बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो हम लोग ने कहाँ छोड़े इसको भी कवर करते हैं। फिलहाल आज आ चुके हैं काफी मशक्कतों के बाद, बहुत ज्यादा, तो आप लोग को बहुत मजा आएगा वीडियो में। तो अभी हम लोग भी बहुत ज्यादा सेफ्टी का है, की सेफ्टी है और एक हेलमेट रखा है, तो दो बाकायदा दो हेलमेट लेके आए हम लोग, और काफी दूर है हम लोग, कहीं भी जाए तो बिल्कुल पूरी सेफ्टी के साथ हेलमेट लगा के जाए। अच्छा, हमको सिखा रहा है। और भाई चलिए अंदर चलते हैं, अभी तो हम लोग ने बाहर रुक के शूट कर लेते हैं, अंदर चलते हैं, आप लोग को अंदर का सब बताएंगे, कैसा क्या रोड दिखाएंगे आप लोग को। तो चलते हैं, आगे आ रहा हूं आप लोग से आगे। भाई आपकी फेवरेट कार आ रही है? ओ भाई फॉर्च्यूनर जा रही है। हाँ ये कर लो पहले। तो भाई चलिए मिलते हैं आप लोग से आगे। एक हो चुकी छोटी सी प्रॉब्लम सबसे क्या? पहले तो ये बता दे कि हम लोग एयरपोर्ट के अंदर, ये देखिए भाई एयरपोर्ट की एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे अब शूटिंग अलाउड नहीं है, ये जो हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पहले जो लोग आए थे तो वो 26 मई से पहले गए थे, जब यहाँ पे ओपनिंग नहीं हुई थी इसकी। तो फिलहाल अभी इसकी ओपनिंग हो चुकी है और अब शूटिंग अलाउड शायद यहाँ नहीं है, तो अभी हम लोग बाहर से हम लोगों को बिल्कुल भी अंदर नहीं दिया जाए, जब हम लोग गाड़ी खड़ी करके परमिशन हम लोग ने रिक्वेस्ट करी तब हम लोग अंदर आए हैं। गेट के आगे यहीं पे खड़े होने की मुझे परमिशन, बाकी आप लोग को शॉर्ट तो हम लोग पूरा दिखाई देंगे। और यहाँ तक रनवे है वो ब्लू कलर, यहाँ पे ब्लू टीन है, उसके पार इस दीवार 50। और अभी अंकल एक हम लोग से पूछ रहे हैं कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, तो भाई 50 MP का कैमरे हम लोग बना रहे हैं। तो भाई ये है कानपुर हवाई अड्डे, कानपुर एयरपोर्ट टर्मिनल भी बोल सकते हैं आप लोग। और ये रहा डिटेल्स, कुछ लिखी हुई है डिपार्चर अराइवल पिक ऑफ, थोड़ा सा हम लेट होकर, हाँ थोड़ा सा अगर हम लोग पहले आ जाते तो ओपनिंग भी ना होती। तो भाई हम लोग ने सोचा आप लोग को थोड़ी बहुत एयरपोर्ट की जानकारी दे दी जाए। तो रही बात इसकी ओपनिंग की गाइस, इसका कंस्ट्रक्शन का काम तो पिछले कुछ 1 या 2 सालों से चल ही रहा था और इसकी ओपनिंग हो चुकी है 26 मई को। तो 26 मई को काफ़ी सारे लोग आए थे यहाँ पे, ब्लॉग बना के गए उन लोग भी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। और फिलहाल इसकी जो फ्लाइट्स हैं वो डोमेस्टिक में चल रही हैं, यानी कि सारे शहरों में यहाँ से जा रही हैं, ऑल ओवर द इंडिया तो आप जा सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल की यहाँ से फ्लाइट्स नहीं है आप लोग की। और ये बात की जा रही है कि यहाँ से कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट भेजी जाए, फ्लाइट भेजी और होनी भी चाहिए, ये उद्योग यही नहीं, अभी और सुनिए, उद्योग नगरी है, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। और ये अगर आप लोग को इंटरनेशनल जाना भी है तो आप लोग लखनऊ एयरपोर्ट से जा सकते हैं, वहाँ आप लोग को मुंबई से, मगर भाई यहाँ इंटरनेशनल की फ्लाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है हमारा, नॉर्थ, हाँ नॉर्थ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी है, होना तो चाहिए गाइस वैसे। और अभी हम लोग भाई क्या बताएं, थोड़ा सा मूड ऑफ हो चुका है फिलहाल, और ये वाला व्लॉग भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं, और लंबा नहीं जा पाएगा, क्योंकि हम अगर अंदर जाते तो आप लोग को अंदर से हम लोग व्यू दिखाते और थोड़ी डिटेल्स भी पता चल जाती कुछ। एक काम करते हैं, कानपुर से लखनऊ तक की फ्लाइट का टिकट लेते हैं, तब चलते हैं, 1000 रुपए की होगी।
तो चलिए भाई आप लोग से मिलते हैं आगे, देखिए अब क्या करते हैं, इतनी दूर तो आ ही चुके हम लोग फिलहाल। लेकिन एक बात ने थोड़ा सा मूड ठीक कर दिया, वो यहाँ का माहौल भाई, मौसम बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त वाकई यार। अगर हम लोग को आगे जाने को मिलता तो हम लोग आप लोग को फ्लाईओवर भी दिखा, फ्लाईओवर करे भाई, रनवे भी दिखाते। और हुआ क्या कि जैसे हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं वैसे ही एक फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया, वैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया तो हम लोग बना ही नहीं पाए। चलिए गाइस देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं आगे एंडी होगा और क्या होगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर, अगर मजा आया हो तो जरूर। हम लोग जा रहे हैं वापस और भाई 10 की स्पीड पे चल रही है, और भाई मजा तो खैर आप लोग को कम ही आया होगा क्योंकि अंदर हम लोग ने दिखाया यार, मेहनत लगी तो लाइक कर दे भाई, मेहनत लगी यार। अपने घर से काफी दूर करीब 10-12 किलोमीटर हम लोग आए थे, और जैसे ही आए पता चला भाई अलाउ नहीं है, तो भाई उस टाइम जो मूड खराब हुआ था। खैर अब कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, लेकिन भाई मौसम ने और जो जगह है उसने पूरा मूड बना दिया भाई, उतरा आ गया यहाँ पे कैंपिंग हो जाए यार यहाँ पे, और लेकिन बना काफी बढ़िया गई जिस बात की तो गारंटी है। जैसा कि आप लोग को हम लोग ने बताया कि अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली हम लोग को, तो भाई मूड बुरा खराब हो गया है, और भाई इतनी दूर आए थे हम लोग यही सोच के, अगर हम लोग दोबारा से बात ना करते तो गेट के जो अंदर जाने की परमिशन, तो भाई वहाँ भी ना जा पाते, तो फिलहाल थोड़ा सा भाई पिघल गया हम लोग के, तो हम लोग चले गए थोड़ा सा अंदर, बस गेट के 2 कदम पे खड़े थे हम लोग, अंदर जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। हमें लग रहा है जो पहले बना के आए हैं लोग वो लोग, हमें लग रहा है ओपनिंग से पहले बना के है, तो उस टाइम हो सकता है परमिशन हो। तो हम लोग ने सोचा आप लोग को यहाँ का जो व्यू आ रहा है गाइस वो बहुत बढ़िया है, तो आप लोग एक बार शॉट देखो, हम जो दिखा रहे हैं आप लोग को मजा आ जाएगा, दिल आप लोग का गार्डन गार्डन हो जाएगा, एक बार शॉट देखो आप लोग। और मौसम भी आज बहुत जबरदस्त, मौसम भी बहुत अच्छा, चलो भाई आप लोग को शॉट दिखा। तो भाई ये है हमारे खेत, ये किस चीज के खेत लग रहे ना वैसे, नहीं आ रहा भाई, ये मुझे भी कुछ पता नहीं लग रहा किस चीज के खेत है, हो सकता है गन्ने के हो, कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाँ ये बात तो सच है, यहाँ की कीमत बढ़ गई हो भाई, यहाँ पे टर्मिनल है अपना, तो जाहिर सी बात है कीमत बढ़ी गई होगी। और ये लिखा थैंक्स फॉर योर विजिट, ओके शुक्रिया। तो भाई ये रोड आप लोग देख रहे हैं, इधर ही से अभी हम लोग आए हुए हैं, और भाई ऐसा प्लान नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा या बनाने को नहीं मिलेगा कुछ भी, खैर आए हैं तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने सोचा कवर ही कर लेते हैं। रही बात व्लॉग की, तो कुछ ज़्यादा खास तो नहीं बन पाया, लेकिन ट्राई करा हम लोग ने पूरा अच्छे से कवर करे, लेकिन अब अंदर जाने की एंट्री नहीं थी, तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, गलती नहीं है। और वैसे मौसम तो भाई बहुत हो गया, बढ़िया हो गया, और थोड़ा बहुत आप लोग को जो हम लोग ने बताया तो बताया, तो हम लोग एंड करते हैं व्लॉग को। आई होप 4:30 बज गया, काफ़ी टाइम भी हो गया, उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, चलो कोई बात नहीं यार। चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं आप लोग से एक और नए व्लॉग में, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो कैसी लग रही है आप लोग को ये बताओ, आप लोग हमारे चैलेंज की तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा, वो भी इंशाल्लाह इस वीक में हो जाएगा जहाँ तक के उम्मीद है। तो चलिए गाइस आप लोग से मिलते हैं एक और जबरदस्त नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।